हेलो गाइस, अगर हम आपको बताएंगे कि मैंने आपको ठेली पकड़ा दिया और आपको बता दिया कि आप जाओ जाके कुछ भी सामान उठा करके लाओ, तो आप कैसे सामान लेंगे? तो आप सामान कैसे लेंगे? तो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी, या फिर जिसमें ज़्यादा आपको वेट ना उठाना पड़े, या फिर ऐसा हो कि आप प्रॉफिट भी ठीक ठाक लो और वेट भी ठीक ठाक लो, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो और वेट भी मिनिमम से मिनिमम हो। तो इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है नैपसैक प्रॉब्लम। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नैपसैक का 0-1 होता है, तो वो आपके शरीर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए तो एक अलग प्रोसीजर था, क्योंकि वहाँ पर आप या तो ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। लेकिन लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए हो, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होते हैं जैसे सब्जी वगैरह जो होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आप पूरा ही लेना पड़ेगा। आप हो सकता है आप थोड़ा सा आलू ले सकते हो, थोड़ा सा बैंगन ले सकते हो, तो इस तरीके से वहाँ पर तो ये चीज़ चल सकती है ना। तो उसके लिए क्या करा जाए? तो उसके लिए होता है फ्रैक्शनल नैपसैक। तो आज हम फ्रैक्शनल नैपसैक का कोड आपको बताएंगे और मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है, देख करके। और आपको मतलब ये बोलना पड़ेगा कि ये बढ़िया है यार, ये तो बहुत आसान है, और एक्चुअली में बहुत आसान है। जितना आसान आपको लगता है उससे भी आसान हम बनाएंगे इसको। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको इतना आसान बना देंगे कि आपको मतलब कोड देख करके समझ आ जाएगा कि भाई ये तो ऐसा ही होता है यार, मतलब समझ आ जाना चाहिए था। तो ऐसा आपको फीलिंग दिल से आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है, और आपको अगर आप पहली बार वीडियो में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि नैपसैक का जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से करेंगे, तो आज हम करेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक। तो उसके पहले मतलब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट हम अपना बड़ा प्लेटफॉर्म में एंटर कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें क्या होगी, जिसमें होगी वैल्यू मतलब जो प्रॉफिट जो होता है, और उसके साथ हमारा वेट होता है, तो वो दोनों चीजें ताकि एक साथ रहे। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर का सबको पता ही होता है कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो हमने स्ट्रक्ट का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर बनवाने के लिए। और हम स्ट्रक्चर का नाम देंगे आइटम्स करके कुछ, क्योंकि हमने आइटम्स का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें क्या होगी, आइटम्स क्या होता है, इंटीजर एक तो होता है वैल्यू और एक होता है इंटीजर वेट, तो दो चीजों को लेकर के बनती है ये चीजें। और हमने एक कंस्ट्रक्टर बनवाएंगे जो आइटम्स नाम की कंस्ट्रक्टर होगी, जो लेगा इंटीजर ऑफ वैल्यू और इंटीजर ऑफ वेट। जो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का काम है कि भाई डिजिटल वैल्यू को बराबर वैल्यू बराबर कर दो और डिजिटल वेट को वेट बराबर कर दो। तो ये दो चीजें हमको कर देंगे। और एक हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो फंक्शन क्या करेगा, जो कंपेयर करेगा। अब कंपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बुलियन टाइप का हम फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम सी एम पी करके कंपेयर। और जो क्या लेंगे, दो चीजें लेंगे, एक आइटम टाइप का दो एलिमेंट लेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा भाई सब बड़े है। क्योंकि हमको क्या चाहिए अल्टीमेटली, हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मिनिमम से मिनिमम वेट चाहिए। तो हमको प्रॉफिट बाय वेट का एक रेशियो करना पड़ेगा, जिसमें से जो ज्यादा होगी हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना पड़ेगा, ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। रेशियो जो होता है, प्रॉफिट रेशियो इसको कहते हैं। तो प्रॉफिट रेशियो हमारा मैक्सिमम होनी चाहिए। अब प्रॉफिट रेशियो मतलब क्या होता है, वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट। तो वैल्यू और वेट करने के लिए हमको क्या पड़ेगा, बट बस आइटम्स का जो है दो चीजें हम ले लेंगे, आइटम्स का सॉरी आइटम्स का हमने दो चीजें लेंगे, आइटम्स फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया और आइटम्स बी ले लिया। तो इन दोनों चीजों को हमने ले लिया और उसको हमने कुछ कर देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे हम बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल इसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमको वैल्यू बाई वेट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने, हो सकता है कभी फ्लोट में भी वैल्यू आ जाए, तो इसके लिए हमने इसको डबल में बनाएंगे, ठीक है। तो डबल फॉर एग्जाम्पल आर वन इज इक्वल्स टू हमने इसको टाइप कास्ट कर देंगे डबल डबल। फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया ऐसा नहीं, ए डॉट वैल्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको भी हमने फॉर एग्जाम्पल डबल में कर दिया। ये कुछ और ही दे रहे हैं सजेशन में, तो ये जो सजेशन जो हमने कर रहा है ना, ये एक्चुअली कुछ एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, तो ये मैंने इंस्टॉल करके रखा है, लेकिन कल कभी ये उल्टा सीधा भी दे देता है, कोई बात नहीं। तो चलिए डबल आर टू हमने ले लेंगे, यहाँ पर आर टू पे पढ़ेंगे जब, तब ये क्या होगी बी, और बी देखो सही भी है इस बार। तो इन दोनों में से जो वैल्यू हमको क्या चाहिए अल्टीमेटली, जो ऑब्वियसली जो बड़े होंगे उसको चाहिए हमको। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर वन अगर बड़े है तो आर वन को रिटर्न करो ट्रू, अगर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बुलियन फंक्शन है। तो इसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमको चाहिए क्या। तो ये दो चीजें हो गई। बस इसके बाद हमको जो फ्रैक्शनल का जो कोड है, वो फ्रैक्शनल की कोड हमको लिखना पड़ेगा, वो बहुत ही आसान है, बिलीव मी बहुत आसान है। तो हमने ये कुछ रीजन करेगा, तो हमने डबल टाइप का एक बनवा लेंगे, ठीक है, डबल फ्रैक्शनल नैपसैक फैक्ट और नैप शेक भी लिख देता हूँ यार, इतना भी आलसी अच्छा नहीं है। तो क्या लेंगे अब हमको, तो मतलब आइटम्स का कुछ बंडल्स ऑफ आइटम्स होंगे जिनमें से हमको चुनना है कि कौन सी चीज हमको लेने में फायदा होगी। तो उनके लिए हमको एरिया लेना पड़ेगा, और जो तुमको मतलब थली मिला होगा, थली तो उसका कुछ वेट्स होगी कि इतना ही तुम ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा अपना मार्केट ही उठा के लेके आओ। तो जितना आपका नैपसैक का मतलब जो थैली का जो
मैक्सिमम कैपेसिटी आप उतना ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब उससे कम ले सकते हैं, लेकिन कम लोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगी, तो आपको मैक्सिमम उतना ले सक आप ले सकते हैं, और अपना लेना भी चाहिए यार, फ्री में मिल रहा है तो ले लो भाई, चोरी करने के लिए गए हो तो क्यों छोड़ के आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, एक तो हमारा इंटीजर वेट होगी कुछ, जो ये टोटल होगी वेट, नैपसैक का वेट। तो इसके बाद हम लेंगे कुछ आइटम्स, आइटम्स का कुछ एरे ले लेंगे, ठीक है, आइटम्स का कुछ एरे ले लेंगे, और नंबर ऑफ आइटम्स भी हमको चाहिए, तो उसके लिए हमें एन ले लेंगे, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें ही बस हमको चाहिए, हाँ बस इतना ही चाहिए। तो इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट बाय रेशियो को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट कैसे करेंगे, सिंपल है ना भाई, शॉर्ट फंक्शन तो है ना, और शॉर्ट फंक्शन तो ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको हेडर फाइल चाहिए। हेडर फाइल क्या होता है आपको पता ही होता है, आप इंक्लूड कर लीजिए एल्गोरिदम को, ठीक है, ऐसा नहीं शॉर्ट, एल्गोरिदम को इंक्लूड कर लीजिए, तो ये जो है भाई सर ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, देख लो शॉर्ट आ गया ना। तो इसको एरे देना पड़ेगा, प्लस ए आर और प्लस एन देना पड़ेगा, और हमको कुछ कंपेयर फंक्शन भी देना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे तुम करना चाहते हो, ये आपको पूछेगा कि कैसे करना है भाई बता दो हमको कैसे करना है, तो ये आपको बता देना पड़ेगा कि हमको ऐसे कंपेयर करके हमको जो आउटपुट है वो हमको भेज दो, ठीक है, क्या करना है हमको अच्छे से आउटपुट भेज दो। उसके बाद हमको अल्टीमेटली मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो कितना प्रॉफिट होगी फाइनली, कितना हमको वैल्यू मिलेगा, तो मैं कुछ डबल बना लेता हूँ, डबल प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट प्रॉफिट करके कुछ बना लेता हूँ, जो 0.00, और हमने एक फॉर लूप चलाएंगे जिसके अंदर हमने इसको घुमाएंगे, घुमाते घुमाते हमने चेक करेंगे, अगर जिस चीज़ का जो वेट रेशियो है वो उसका वेट अगर कम होगी टोटल वेट से, तो भाई पूरा ही ले लो ना, इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो भाई पूरा ले लो, पूरा लेगो तो पूरा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी, अगर कम लोगे तो कम प्रॉफिट मिलेगी, तो पूरा ही ले लो। अब लास्ट में जब जितना बचेगी, फ्रैक्शनल है ना, तो लास्ट में जितना खाली रह जाएगी तो उतना से थोड़ा सा कुछ भर लेंगे। तो ये आइडिया होता है ना, मान लो तुम किसी शॉप में गए हो जहाँ पर सोने की चांदी की ये सब कुछ पड़े हुए हैं, तो पहले तुम क्या करोगे, पहले थोड़ी ना तुम ऐसा करोगे कि हाँ मैं थोड़ा सा ये चांदी पहले भर लेता हूँ, थोड़ा सा सोना भर लेता, नहीं ऐसा नहीं करोगे ना, पहले आप जितना सोना अंदर आ सकते हैं भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरा ले लोगे सोना, उसके बाद अगर जाएगा कुछ आपके पास बच जाएगी तो फिर आप ले लेंगे थोड़ा बहुत चांदी, अगर नहीं बचेगी तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी हम खुश हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट तो कहाँ मिल रहा है, सोने में मिल रहा है चांदी में नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लगाएंगे हम, कि हमने फॉर लूप चलाएंगे, एक फॉर नॉट श्योर फॉर लूप चलाएंगे, जहाँ पर इंटीजर आई कहाँ से चलेगी, 0 से लेकर के एन तक चलेगी, और जहाँ पर ये चीज़ें होगी कि अगर अगर हमारा एरे का आई का वेट का जो वैल्यू है वो अगर कम है या फिर इक्वल है, जो टोटल हमारे पास जो वैल्यू है उसके नैपसैक की जो वेट है उसका वेट के बराबर या फिर कम होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के साथ हमने प्रॉफिट प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई का जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे, और उसके साथ ही साथ हमारा जो टोटल जो हम वेट था, क्योंकि अब अगर आपने कुछ भर लिया तो वेट तो रहेगा नहीं ना, तो उतना वेट तो रहेगा नहीं, तो उस वेट को हमको माइनस भी करना पड़ेगा, तो हमने वेट को माइनस कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, ऐसा नहीं है तो कुछ तो होगा, इसका मतलब वेट क्या होगी, उससे बड़ी होगी, तो उससे अगर बड़ी होगी तो पूरा तो हम नहीं ले सकते, इस बात तो पक्की है, क्योंकि पूरा कैसे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेट ही ले सकता हूँ मैं 1 kg, अगर मान लो तुमको बोल रहा है कि 2 kg अगर लोगे तो तुमको, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हाँ एक अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया है तो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि भाई अगर आप बाई 3 करोगे तो गेट वन फ्री, या फिर बाई वन गेट वन फ्री, या फिर ऐसा नहीं है मतलब बाई वन गेट वन फ्री में तो आप तो वन तो खरीद लोगे, लेकिन अगर बोल रहा है कि बाई 3 ले लो तो फिर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा एक मिल जाएगा, भाई आपके पास 3 खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, आपके पास इतना जगह नहीं है रखने के लिए वो सामान, आप कहाँ से खरीद लोगे, नहीं लेके आ सकते ना, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप जितना जगह है मेरे पास एक ही सामान ले सकता हूँ, मैं फ्री के चक्कर में 3 तो नहीं ले सकता हूँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट गया तेल लेने, भाई जितना मैं ले सकता हूँ उतना लूंगा, उसमें से मेरे को जितना प्रॉफिट होगी मैं उसमें से खुश हूँ। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये चीज़ बनाया गया है कि फ्रैक्शनली हमने जो वेट होगी तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे प्रॉफिट का जो वैल्यू है उसके साथ हम प्लस इक्वल्स टू करेंगे इसका एरे ऑफ आई, हमने कुछ एरे ऑफ आई का जो जितना हमारे पास वैल्यू होगी तो वो हम लेंगे, कितना वैल्यू होगी लेकिन उतना ले सकते हैं जितना हमारे पास वेट बच गया। तो फॉर एग्जांपल हमने इसको भी टाइप का शब्द था, पता नहीं कहाँ हो चुका है डबल पे, और उसके बाद हम डबल ऑफ वेट, जितना वेट हमारे पास बच गया तो उसको डिवाइड कर देंगे हम एरे ऑफ आई का जो वेट है, डबल लगा दिया, तो एरे ऑफ आई का जो वेट है
उसको इससे डिवाइड कर देंगे ताकि हमको जितना मिल सकते हैं ताकि उतना ही मिले, ना कि ज़्यादा कुछ मिल जाए, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद हम ये चीज़ तो हम एक काम कर सकते हैं कि भाई ये चलते रहे जितनी बार चलेंगे, और यहाँ पर अगर करोगे तो आपको वेट को फिर हमको मतलब निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेट खत्म हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगी। तो अगर जीरो होगी तो बार बार लूप चलाने का क्या फायदा यहाँ पर ब्रेक लगाना, क्योंकि ये एक बार ही चल सकता है, एल्स कंडीशन एक से ज्यादा नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई एक बार चलाया फिर थोड़ा सा बच गया, ऐसे बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा काम खत्म। तो यहाँ पर जैसे कंडीशन आ गई तो ये ऑलरेडी उस आइटम की वेट से ये वेट कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है ये कंडीशन फेल हो चुकी है, तभी ये आया है। तो एक बार चलेगी तो उसके बाद लूप से ही पूरा बाहर आ जाओ और हमको रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? प्रॉफिट। यस यू आर राइट, प्रॉफिट रिटर्न कर दो हमको। और एक हम उन्हें आइटम्स की एक एरे बनवाएंगे, ठीक है? जो एरे क्या करेगा, आइटम्स का जो एरे होगा वो क्या करेगा, कुछ वैल्यू लेगी। एक तो हमारे पास ये प्यार में होगी, प्यार 60 और 10 मान लेता हूँ, एक है 60,10 जिसका कुछ प्रॉफिट रेशियो होगी, और एक कुछ होगी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100 120 ले लेता हूँ, 120। और उसके साथ हम कुछ ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल 120 ले लेता हूँ, और उसके साथ हमने 30 भी ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये कुछ प्रॉफिट, पहले वाला जो है वो है वैल्यू और दूसरे वाला जो है वो है वेट। तो ये चीज़ें हमने ले लिया, और हमने कुछ इंटीजर टोटल वेट को भी देना पड़ेगा। तो वो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ ले लिया, कितना लिया जाए बताओ आप, 12 ले लेता हूँ, क्योंकि ये 12 या 12 ले लेता हूँ, क्योंकि ये 10 आ सकता है यहाँ पर और कुछ फ्रैक्शनल में आ जाएगी, तो 12 ले लिया हमने। तो एक ही आइटम पूरा आ सकते हैं, देख सकते हो, देख रहे हो ना? तो इसके साथ हमको फिर इंटीजर ऑफ एन चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स करना है। तो साइज ऑफ ए आर आर डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ए आर आर, कितना स्मार्ट है, देखो बहुत अच्छे से ऐसा ले रहा है। तो हमको जो रिटर्न कर दिया है तो वो हमको बस ले लेना है, नेस्टेड फंक्शन का यूज करना है, और उसको हमको पकड़ाना है कुछ चीज़ें, जैसे कि एरे पकड़ाना है। पता नहीं कैसे दिया था मैंने, डब्लू दिया था नेस्टेड, तो फर्स्ट डब्लू दिया था, तो डब्लू दे दिया हमने, एरे दे दिया हमने, फिर एन भी दे दिया हमने, सब कुछ दे दिया हमने, और वैल्यू भी हमको दे दो, ये वैल्यू हमको दे दे ठाकुर। देखता हूँ कुछ एरर आएगा फिक्स करेंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल 70 आ गया, देख लो आप अच्छे से। तो हमने क्या किया, इसको प्रॉफिट वाइज ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज किया, फिर हमने देखा कि यही चीज 6 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो वैसे भी ये इस ऑर्डर में ही आ जाएगा, ठीक है? शॉर्ट करने के बाद भी, फॉर एग्जाम्पल इसको हमने अगर फॉर एग्जाम्पल ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसको हमने अगर 5 कर दिया होता तो ये 20 बन जाता, तो तब तो ये ज़्यादा होना चाहिए। तो देख लो अब इस बार कितना ज़्यादा होगी, 142, देख रहे हो? तो ये वेट और ये जो वैल्यू है इनका रेशियो के ऊपर ये चीज़ें पूरी डिपेंड करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें मैं नया कर रहा हूँ, तो अभी तक इतना मेंबर्स नहीं है, तो आप आ सकते हैं, कुछ मेंबर्स हैं, मैं खुद भी हूँ। तो आई होप आपको डिस्कशन में मजा आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।